Assalamualaikum, I hope you all are doing well. I am back with an other video. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने वेट वेरिएशन टेस्ट करना है कैप्सूल्स का तो आप कैसे करेंगे. मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने टैबलेट की वेट वेरिएशन टेस्टिंग की थी और अब हम लोग जो है वो कैप्सूल की वेट वेरिएशन टेस्ट करने लगे हैं. अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें वेइंग बैलेंस होता है और पेटी डिश होती है. ये दो चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं. एक वेइंग बैलेंस की बहुत गंदी शक्ल है यहाँ पर जो फिगर बनाई गई है, इसको इग्नोर करना. उसके बाद हमारे पास कैप्सूल्स का बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू बीपी यूएसपी एंड अकॉर्डिंग टू यूएसपी कितने कैप्सूल्स जो हैं वो आपने लेने हैं. अब एवरेज वेट कैप्सूल का अगर तो लेस देन इक्वल टू 120 mg है तो उसकी लिमिट कितनी होती है, प्लस माइनस 10% विद इन दैट रेंज होनी चाहिए और डेविएशन की जो अलाउड होती है वो प्लस माइनस 20% होती है. इसी तरह अगर 121 से 300 तक है तो फिर प्लस माइनस 7.5 और 5. ये हमने लास्ट टाइम भी जो टैबलेट के लिए लिमिट पड़ी थी वो ये सेम थी, ठीक है. तो 10, 7.5 और 5, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं. और यहाँ पे 120, 121 से 300, मोर देन 300, तो ये ईजी है. 120, 121 से 300 मोर देन दिस, तो यहाँ पे लिमिट आ गई और इसकी जो डेविएशन होती है वो हमारे पास कितनी होती है वो हम सब यहाँ पे नोट की हुई है. 20, 15 and 10 इतनी डेविएशन जो होती है वो अलाउ होती है अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द कैप्सूल्स. अगर आपके पास हार्ड कैप्सूल है तो आपने रेंडमली 20 कैप्सूल जो है वो ले लेने हैं और वे इंटैक्ट कैप्सूल जो है वो आपने उसका वेट ले लेना है. ओपन द कैप्सूल विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द कैप्सूल. आपने क्या करना है कि कैप्सूल को खोल लेना है, ठीक हो गया. और उसके बाद क्या करना है कि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शेल टूटे ना. जितना भी कैप्सूल का कंटेंट है एज़ पॉसिबल आपने उसको रिमूव कर लेना है. शेल का वेट अलग से ले लेना है और कैलकुलेट द वेट ऑफ द कंटेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूला. जो भी इंटैक्ट कैप्सूल होती है और जो वेट ऑफ द शेल होती है उसको आपने माइनस करके उसका वेट ऑफ कंटेंट निकाल लेना है. सो दिस इज़ द कैप्सूल और ये जो इसके बाहर है दिस इज़ द कैप्सूल का शेल. एंड हमने इसको ऐसे रिमूव करना होता है कि इसका जो कंटेंट है वो भी वेस्ट ना हो और जो शेल है वो भी वेस्ट ना हो. लेकिन ये थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर होने की वजह से इसको थोड़ा खोलना मुश्किल हो रहा है. अब ये जो ये होता है ना, दिस इज़ द हेड ऑफ द कैप्सूल एंड दिस इज़ द बॉडी. ये सारा हम कॉन्टेंट जो है वो किसी और चीज़ पे ऐसे नहीं करना होता. बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू पीपल. इस चीज़ से हम इसका सारा कॉन्टेंट जो है वो क्या करेंगे, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है. फिर अब हमने क्या करना है कि इन शेल्स का वेट लेना होता है और जितना भी इसका कॉन्टेंट होता है उसका वेट लेना होता है. तो यहाँ पे दिस इज़ द वेट ऑफ इंटैक्ट में पहले पूरे का फिर उसमें से वेट ऑफ शेल ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कॉन्टेंट का वेट आ जाएगा. सो इस तरीके से आप कर सकते हो. ये सारा प्रोसेस जो है वो हम 19 कैप्सूल्स के लिए अलग अलग करेंगे. अब कंटेंट हम हार्ड कैप्सूल्स में तो रिमूव कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द सॉफ्ट कैप्सूल. तो आपने 20 कैप्सूल रेंडमली लेने होते हैं, फिर इंटैक्ट का लोगे, ओपन एंड कट द कैप्सूल विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द शेल. फिर जितना भी कंटेंट होता है उसको भी रिमूव करना है और आपने कैप्सूल को वॉश करना होता है. या तो ईथर के साथ वॉश करते हो या कोई भी सॉल्वेंट होता है उसके साथ आप प्रॉपरली वॉश करते हो और आपने करना है और उसको साइड पर रख देना है ताकि उसके अंदर से जितनी भी ऑर्डर है आपके सॉल्वेंट की वो रिमूव हो जाए. फिर आपने उसको वेट करना है और फिर आपने क्या करना है कि उसका वेट कैलकुलेट करना है. परसेंटेज वेट वेरिएशन अगर फाइंड करनी है तो इंडिविजुअल वेट लोगे माइनस एवरेज वेट डिवाइडेड बाय द एवरेज वेट इनटू 100. ये पहले हमने टैबलेट के केस में भी देखा था. अच्छा, अब इसकी जो रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन होती है वो कैसे होती है. टू इंडिविजुअल वेट ऑफ द कैप्सूल, दो से ज़्यादा जो है वो डेविएट नहीं होने चाहिए फ्रॉम द एवरेज वेट, ठीक है. दो से ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए. नन ऑफ द कैप्सूल इंडिविजुअल वेट डेविएट बाय मोर देन ट्वाइस ऑफ द गिवन वेट लिमिट. जो होगी ना उससे दो गुना तो किसी का वेट भी नहीं होना चाहिए. दैट इज़ समथिंग, ये बहुत बड़ी वेरिएशन है तो इतनी वेरिएशन अलाउड नहीं होती. इस तरीके से अब आपके सारे ऑब्जर्वेशन बनेगी. सबसे पहले आपके पास इंटैक्ट टैबलेट आ जाएगी, शेल का वेट आ जाएगा, उसका डिफरेंस आ जाएगा, फिर उसका एवरेज वेट आ जाएगा, देन वेट ऑफ द देन वेट वेरिएशन जो कि परसेंटेज में आ जाएगी. एक दफ़ा आपने हार्ड कैप्सूल के लिए सारी ऑब्जर्वेशन कर लेनी है, देन वी गो फॉर द सॉफ्ट कैप्सूल उसके लिए सारी, एंड एट द एंड आप लोग जो है वो रिजल्ट को लिख देंगे.